फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसा कि दोस्तों बीपीएससी टीजीटी 2023 एग्जाम के लिए आपके पास टाइम नहीं है, दिसंबर में आपका 100% एग्जाम हो जाएगा। जैसा कि दो चार दिन के अंतर्गत आपका फॉर्म अप्लाई करने का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये सभी चीज़ों को देखते हुए मैं चैप्टर वाइज सभी टॉपिक का एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आप डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए, डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। ये केवल बीपीएससी टीजीटी 2023 के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। एंड यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप अपने सभी टॉपिक का अध्ययन विस्तृत रूप से कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है दोस्तों, निम्न में से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग हैं। दोस्तों, इसके पहले तंत्रिका तंत्र के प्रथम वीडियो अपलोड हो चुका है, ये द्वितीय है। तो कौन केंद्रीय तंत्रिका यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, विच आर द फॉलोइंग आर द टू मेन फॉर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि दोस्तों नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को तीन प्रकार में बांटा गया है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र में 43 जोड़े नाड़ियां आती हैं, जिसमें से 12 जोड़े दिमाग की नाड़ियां यानी कॉर्निथल नाड़ी आती है और 31 जोड़े स्पाइनल नाड़ी यानी कि मेरुरज्जु से निकलती हैं। कुल 43 जोड़े होती हैं। एंड दोस्तों, यानी कुल 31 नाड़ियां होती हैं, 43 जोड़े नाड़ियां होती हैं, ठीक है, 43 जोड़े। एंड तीसरा होता है एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसके दो भाग होते हैं, अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे क्या पूछा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग कौन है, तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है, यानी कि हमारा ब्रेन है, ठीक है, ए एंड बी, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु एंड मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि पैरासिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के उद्दीपन के कारण होता है, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, यह दो प्रकार का होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक यानी अनुकंपी परानुकंपी। यह जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, यह तंत्र जो है शरीर के सभी आंतरिक अंगों जैसे कि पैंक्रियाज, स्टोमच, लीवर, इंटेस्टाइन यानी आते, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है इन सभी के लिए। सबसे पहले इसको लैंगली ने बताया 1921 में। यह दोस्तों पैरासिंपैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एएनएस, यह मस्तिष्क के आदेशों पर निर्भर नहीं करता है। यह कुछ हार्मोन से मिलकर के स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और शारीरिक संतुलन बनाने का कार्य करता है। कुछ क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है और कुछ क्रियाओं को शिथिल करता है। जो हमारे अंदर की क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है उसे पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और जो जो हमारे उत्प्रेरित करता है वो सिंपैथेटिक यानी कि जो उत्तेजना को बढ़ाता है, उत्प्रेरित करता है, उसको सिंपैथेटिक यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो हमारे क्रियाओं को शिथिल करता है वो उसे कहते हैं परानुकंपी यानी कि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो अनुकंपी तंत्रिका तंतु होता है यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, वह द्वंद्व प्रतिद्वंद्व प्रणाली के लिए होता है। उत्तेजना के समय
पूरे शरीर में बड़ी मात्रा में अवक्षेप उत्पन्न करता है, यानी कि विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार करती है, जैसे कि खतरा के समय, भय के समय, दुख व शोक आदि की स्थिति में कार्य करता है। कौन? सिंपैथेटिक यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। जैसे कि ऐसे समय में नेत्र की पुतली फैल जाती है, लार ग्रंथि से लार का बनना बंद हो जाता है, पाचन एंजाइम निकलना बंद हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, श्वेत निकलने लगता है यानी पसीना निकलने लगता है, हृदय धड़कन तेज हो जाता है, उत्सर्जी अंगों की पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं। ये तो हुआ आपका सिंपैथेटिक यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो खतरा के समय उत्तेजित करता है। और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भाग परानुकंपी यानी पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिंपैथेटिक जो होता है शरीर के आश्रयदाता प्रणाली होता है, यह अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक के विपरीत होता है, यानी कि यह जो पैरासिंपैथेटिक होता है परानुकंपी, यह प्रेम खुशी हर्ष शांत और विश्रामावस्था में प्रभावित होता है, जैसे कि नेत्र की पुतली सिकुड़ती है, श्वेत ग्रंथि से पसीना के स्त्राव को कम करता है, लार ग्रंथियों से लार के स्त्राव को बढ़ाता है जिससे पाचन शक्ति मजबूत होती है, हृदय स्पंदन को घटाता है आराम स्थिति होता है, और श्वसन दर तथा रक्तचाप को कम करता है, ये सभी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, पैरासिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के उद्दीपन के कारण क्या है? तो यहाँ भी आपको देखना होगा कि ये उत्तेजित नहीं करता, शिथिल करता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट होगा हृदय गति को बढ़ाना। तो हृदय गति को बढ़ाना किसका काम होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का, ये उत्तेजित करता है। और चिंता स्तर में वृद्धि कौन करेगा, तो चिंता स्तर में वृद्धि भी आपको करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि अनुकंपी। हृदय गति को बढ़ाना, हृदय गति को घटाना, तो पैरासिंपैथेटिक क्या करेगा, हृदय गति को घटाएगा। क्या करेगा, हृदय गति को, पैरासिंपैथेटिक जो है हृदय गति को घटाएगा, एंड मांसपेशियों को शिथिलन यानी शिथिलन कर रहा, आराम की स्थिति में कर रहा है, ये भी पैरासिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र का भाग होगा। तो यहाँ पे राइट कौन हो जाएगा, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे हृदय गति को बढ़ाना, चिंता स्तर में वृद्धि करना सिंपैथेटिक का भाग है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जबकि हृदय गति को घटाना और मांसपेशियों को शिथिल करना यह पैरासिंपैथेटिक का भाग है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एंड जो सिंपैथेटिक होता है हृदय गति को बढ़ाता है, मांसपेशियों को संकुचन करता है, रक्तचाप को बढ़ाता है, उसका जस्ट उल्टा पैरासिंपैथेटिक होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्रिका तंत्र का भाग है। द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सेशन एंड डाइजेशन रिस्पॉन्सेस इन द बॉडी इज। तो क्वेश्चन पढ़ते ही दोस्तों आप इसका सही आंसर टिक कर दिए होंगे। विश्राम और पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी की बात कर रहा है, उत्तेजना नहीं कर रहा है, शिथिल कर रहा है, सहायता कर रहा है। यहाँ पे आपका कौन सा राइट होगा, तो यहाँ पे राइट होगा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यदि होता कि पाचन क्रिया को घटाता है और गुस्सा आने पर उत्तेजित होता है तब अनुकंपी हो जाता, परानुकंपी नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में निम्न में से किनका संयोजन पाया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इज इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में निम्न में से किसका संयोजन पाया जाता है दोस्तों। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदरीय मोटापा, बढ़ा हुआ रक्तचाप, अल्प एचडीएल यानी कि एब्डोमिनल ओबेसिटी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड लो एचडीएल। एचडीएल का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है दो प्रकार में बांटा गया है, एचडीएल एंड एलडीएल, दो चीज़ें पाई जाती हैं उसमें। जो हमारे शरीर में एचडीएल की मात्रा अगर अधिक है तो हमारे लिए वो अच्छा होगा। अगर एलडीएल, एलडीएल का मतलब होता है
जैसे कि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL का मतलब लो, LDL का होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि LDL जो हमारे शरीर में है ज़्यादा है तो हमारे लिए खराब स्थिति है, हमारे लिए हार्ट अटैक की स्थिति आ सकती है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, याद रखिएगा सभी चीज़ें खराब होती हैं इसमें, जैसे कि उदरीय मोटापा हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, अल्प HDL होता है यानी HDL की मात्रा कम होती है यानी खराब स्थिति होती है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा उदरीय मोटापा, बढ़ा हुआ रक्तचाप, अल्प HDL का संयोजक होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव निम्न में से किसके माध्यम से ऐच्छिक अंगों में अति सक्रियता लाता है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डज स्ट्रेस ब्रिंग अबाउट हाइपर एक्टिविटी इन इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही आप यहाँ पे भी आंसर जरूर दे दिए होंगे, जो मैंने फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में आपको समझाया है उसके आधार पर सिंपेथेटिक होगा कि पैरासिंपेथेटिक होगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे तनाव दिया है यानी उत्तेजित करेगा अंगों को, तो यहाँ पे उत्तेजित करने का काम करेगा कौन, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम यानी सिंपेथेटिक तंत्रिकाएं। अगर शिथिल करने का बात होता तो पैरासिंपेथेटिक हो जाता, याद रखिएगा। यानी कि एक एक क्वेश्चन से तीन तीन चार चार क्वेश्चन में हल करा दे रही हूँ, मेरे साथ बने रहेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्केडियन क्लॉक मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है, इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सर्केडियन क्लॉक लोकेटेड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। क्या होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक विभाग है, इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग सर्केडियन क्लॉक है, जो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ने का कार्य करता है। यह हाइपोथैलेमस जो है फ्रंट ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क में हमारा सेरिब्रम हाइपोथैलेमस थैलेमस आता है, एंड मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है, एंड हमारा हिंड ब्रेन यानी पश्चिम ब्रेन में सेरिबेलम पोन्स और मेडुला अब्लांगेटा आता है। तो हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, सभी भावनाओं का केंद्र होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता है, व्हाट डज नॉट हैपन इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। दोस्तों अभी जस्ट आप पढ़े हैं इसके पिछले में क्वेश्चन में कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, उदरी मोटापा होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, HDL कम हो जाता है। तो यहाँ पे कौन नहीं होता, तो उच्च रक्तचाप तो होता ही है, उदरगत मोटापा भी होता है, और यहाँ पे डिसलिपिडिमिया भी होता है। होता क्या नहीं है, हाइपरथायरॉइडिज्म नहीं होता है, या थायराइड की कमी से होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म नहीं होता है। यानी कि उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जीवों के जीवन यापन के लिए या हमारे रासायनिक प्रक्रिया होता है जो भोजन को छोटे छोटे कणों में बदलता है, और जो हम ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में स्टोर करके रखता है, और फिर जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो पुनः हम उस ऊर्जा को उपयोग करके कार्य करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अधिकतर CNS प्रभावित करने वाले वायरल डिजीज को कहा जाता है, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी अधिकतर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाले वायरल डिजीज को कहा जाता है। वायरल यानी कि जो वायरस से इन्फेक्ट होता है, यानी कि वायरल डिजीज दैट मोस्टली इफेक्ट CNS आर कॉल्ड। तो वो कौन सा होता है, यहाँ पे कुष्ठ रोग, यहाँ पे रेबीज होगा, कौन सा होगा, रेबीज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी अधिकतर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला वायरल डिजीज है रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यह कुत्ते या दूसरे जानवरों के लार के द्वारा मनुष्य को प्रभावित करता है, जिसे पागलपन और जलांतक हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से डर लगता है। इसमें पूछा भी जाता है कि किस रोग में पानी से डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज रोग में होता है, या रैबिडो वायरस के द्वारा फैलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होम्योस्टेसिस को कायम रखने के लिए, वह भी उन सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हुए जो कि शरीर के आंतरिक वातावरण को प्रभावित करता है,
उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायी है। तो वातावरण की जहां बात आए वहां क्या राइट हो जाएगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस दैट टू बाय डिटरमाइनिंग आर द प्रोसेस दैट इफेक्ट दैट इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे बात ही इंटरनल एनवायरमेंट की बात प्रभावित करने की बात हो रहा है, तो वो होगा आपका राइट आंसर होगा हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी का ऐसा पार्ट्स है दोस्तों, ये जब समस्त चीजों का एक मुख्य भाग है, जैसे कि हाइपोथैलेमस जैसे प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद, क्रोध, सेक्स आदि सभी प्रकार की भावनाओं का केंद्र होता है, और यह हमारे शरीर का ताप को नियंत्रित करता है, हार्मोन पर नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि के हाइपोथेल हार्मोन को भेजता है, एंड जल संतुलन को बनाए रखता है हमारे बॉडी में, एंड भूख प्यास लगने का केंद्र है हाइपोथैलेमस, और कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय जैसे कार्य को करने का भी नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस दोस्तों। सभी उपापचय जैसे कार्य भी करता है हाइपोथैलेमस दोस्तों, इसलिए हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग है। डेंड्राइट्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दोस्तों, डेंड्राइट्स एक्सॉन, डेंड्राइट्स सेल बॉडी, ये सभी पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के। किसके पार्ट्स होते हैं? न्यूरॉन्स के। जैसे ये हमारे न्यूरॉन है दोस्तों, ये हमारा डेंड्राइट्स है, इससे छोटे छोटे जाली की तरह निकले रहते हैं। यहाँ पे आपका निकलता है आपका एक्सॉन, यहाँ पे आपका निकलता है एक्सॉन, इस प्रकार के हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। ये डेंड्राइट्स है जो संदेश को प्राप्त करके ले जाते हैं हमारे सेल बॉडी की ओर, और सेल बॉडी से संदेश को ले जाता है दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ, अंगों की तरफ एक्सॉन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो न्यूरॉन्स होता है हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है, इसी से मिलकर बना होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से न्यूरॉन की प्रकार कौन सी है। तो दोस्तों हमारा न्यूरॉन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ न्यूरॉन, तो कौन प्रकार नहीं है। तो हमारा न्यूरॉन जो है तीन प्रकार का होता है, न्यूरॉन तीन प्रकार का होता है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है संवेगों को या संदेशों को ज्ञानेंद्रियों या संवेदी अंगों के से लेकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन है आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सब के माध्यम से। और मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जो संदेश या उद्दीपन हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक, पेशियों तक पहुंचाती है, और इसके परिणाम स्वरूप पेशियां जो है कार्य करती हैं, वो मोटर नर्व करता है। एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन जो होता है पूरी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्थित होता है, इनका बाहरी वातावरण से कोई संपर्क नहीं होता। इस प्रकार न्यूरॉन तीन प्रकार के होते हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और इंटरमीडिएट नर्व। तो यहाँ पे कौन नहीं है, इंटरमीडिएट है, मोटर है, सेंसरी है, कौन नहीं है दोस्तों, तो स्टैटिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित है, हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित है, तो हमारी श्वसन क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो श्वसन क्रिया का द सेंट्रल द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिस्पायरेटरी प्रोसेस इज लोकेटेड, तो रिस्पायरेटरी प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, तो वो होता है आपका मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में। कहाँ से कंट्रोल होता है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में दोस्तों, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा श्वसन क्रिया का केंद्र स्थित होता है, यह मस्तिष्क का सबसे निचली यानी कि पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। यह श्वसन तंत्र को ही नहीं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट, डाइजेशन सभी को नियंत्रित करता है। चाहे श्वसन तंत्र पूछे, परिसंचरण तंत्र पूछे, हृदय दर पूछे, डाइजेशन प्रोसेस पूछे, सभी को नियंत्रण करता है कौन? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, क्योंकि मेडुला ऑब्लॉन्गेटा उन जैविक क्रियाओं, वाइटल फंक्शंस को नियंत्रित करता है जिन पर हमारी इच्छाओं का कोई प्रभाव नहीं होता, एंड सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय एवं फेफड़े को नियंत्रित कौन करता है? अभी जस्ट मैं बताई, चाहे श्वसन तंत्र पूछो, चाहे हृदय पूछे, चाहे फेफड़ा पूछे, चाहे हार्ट रेट, चाहे डाइजेशन पूछे, इन सभी को नियंत्रित पूछा करता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, यानी कि हार्ट एंड लंग्स आर कंट्रोलेड, तो कौन करता है दोस्तों? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रित किया जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोलेड बाय, तो रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, तो यह करता है हमारा स्पाइनल कार्ड, यानी किसके द्वारा, बाई थ्रू स्पाइनल कार्ड, यानी कि स्पाइनल कार्ड के द्वारा हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, वो नियंत्रित किया जाता है। यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किया था मार्शल हॉल ने, याद रखिएगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सांप को देखकर अचानक से भाग जाना, धमाका सुनकर चौंक जाना, गर्म वस्तु छूने पर तुरंत हाथ हटा लेना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, अपने आप होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। यानी दो प्रकार की होती है, एक अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, एक प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। अप्रतिबंधित जो जन्मजात होती है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, अपने आप होता है, जैसे तेज प्रकाश पड़ने पर पुतली सिकुड़ना, छींकना, खांसना, ये ऑटोमेटिक होता है। एक होता है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, जो सबसे पहले हम उसको नियमित अभ्यास करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, सीखते हैं, तब वो कन्वर्ट होता है प्रतिवर्ती में। जैसे कि प्रारंभ में इनका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है, बाद में इन क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड के द्वारा होने लगता है। जैसे कि साइकिल चलाना, पहले हम गिरते हैं और सोच सोच कर चलाते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, बाद में जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो अपने आप चलने लगता है। जैसे साइकिल चलाना, नाचना, टाइपिंग करना, तैरना, स्वादिष्ट भोजन को देख कर लार आना आदि। नेक्स्ट दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया था कि तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार का होता है, कौन सा तीन प्रकार, CNS, ठीक है, कौन कौन तीन प्रकार का होता है, CNS, PNS एंड ANS, ठीक है। यानी कि CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत 43 जुड़े नाड़ियां आती हैं, 31 जुड़े स्पाइनल से निकलती हैं और 12 जुड़े मस्तिष्क निकलती हैं। एंड ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, बस सेंसरी नहीं है, सेंसरी आपका पार्ट है न्यूरॉन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को क्या कहते हैं, द एबिलिटी टू इफेक्टिव एडजस्ट काइनेटिक एक्शन बेस्ड ऑन चेंजेज इन सर्कमस्टेंसेस इज कॉल्ड। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा एडाप्टेशन एबिलिटी, यानी कि अनुकूलन योग्यता। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था, 2021 में पूछा था आपका UPTGT में, कि परिस्थितियों में बदलाव, जहाँ पे एनवायरनमेंट में चेंज की बात आए, वहाँ आपका एडाप्टेशन होगा यानी अनुकूलन योग्यता होगा। याद रखिएगा, वहाँ पे आपका अनुकूलन योग्यता होगा, यानी कि जहाँ पे परिस्थिति में बदलाव की बात करें, वहाँ पे अनुकूलन योग्यता होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर खिलाड़ी जो है अपनी गतिविधियों में प्रभावशाली रूप से परिवर्तन लाता है, और परिस्थितियों में परिवर्तन ही आपका एडाप्टेशन है। यानी कि कोई भी परिस्थिति आप में बदल जाए, लेकिन आप उसमें अपना अनुकूलन स्थापित कर लें, एडाप्टेशन योग्यता आप में होगी, तो आप उसमें अनुकूल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्यूपलिंग एबिलिटी, जैसे कि कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, जो हमारा स्पोर्ट ट्रेनिंग मैंने पढ़ाया हुआ है, कि स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन जो समन्वय योग्यता होता है, वो 7 प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने बताया भी है कि ABCDRRO, ए से एडाप्टेशन एबिलिटी यानी अनुकूलन योग्यता, बी से बैलेंस एबिलिटी यानी संतुलन योग्यता, सी से क्यूपलिंग एबिलिटी यानी युग्मन योग्यता, डी से डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी यानी कि पृथककरण की योग्यता, आर से रिएक्शन रिदमिक एबिलिटी तालमेल योग्यता, फिर आर से रिएक्शन एबिलिटी प्रतिक्रिया योग्यता, ओ से ओरिएंटेशन यानी निर्धारण योग्यता। इन सभी के बारे में आप स्पोर्ट ट्रेनिंग की वीडियो में देखिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन है, एडजस्टमेंट मेड इन केस ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है स्व समायोजन, यानी कि सेल्फ एडजस्टमेंट कहलाता है, क्योंकि मानसिक सघन विरोधी भावनाओं के कारण उत्पन्न होता है मानसिक संघर्ष। जो क्रू एम क्रू ने लिखा है कि मानसिक द्वंद या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जब उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि शरीर एवं मस्तिष्क की उत्तम कार्यशीलता का विचार कौन सी अवस्था है, विच स्टेट इज
कंसिडरेड टू बी द बेस्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा सकारात्मक स्वास्थ्य एंड इष्टतम कार्यशील स्तर। यहाँ पे दोनों राइट होगा, ए और डी आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क किस भाग में स्थित है? द हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? तो ये हमारे फ्रंट ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क में स्थित है। किसमें? अग्र मस्तिष्क में। हमारे अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम यानी कि अनुमस्तिष्क एंड थैलेमस हाइपोथैलेमस होता है। मध्य मस्तिष्क में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और पश्चिम मस्तिष्क में पीछे वाले मस्तिष्क में हिंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम पोन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। हाइपोथैलेमस सभी समस्त भावनाओं का केंद्र होता है, जैसे कि इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस वीडियो में, इसलिए यहाँ पे नहीं करूँगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु है। तो मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु है। हमारे कपाल स्नायु कितनी होती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो होते हैं हमारे मस्तिष्क में 46 जोड़े नाड़ियाँ निकलती हैं। 43 जोड़े नाड़ियाँ कितनी सॉरी 43 जोड़े नाड़ियाँ निकलती हैं, जिसमें 12 जोड़े दिमाग से यानी कॉग्निशन नाड़ी निकलती हैं और 31 जोड़े स्पाइनल नाड़ी निकलती हैं। तो जो 12 जोड़े नाड़ियाँ निकलती हैं, पहला होता है ऑल्फैक्टरी नर्व, ये सूंघने से संबंधित होता है नाक के लिए। एंड दूसरा होता है ऑप्टिक नर्व जो आँख में प्रकाश का ज्ञान कराती है। तीसरा है ऑकुलो मोटर जो आँख में नेत्र गोलक के संबंध रखती है। चौथा होता है ट्रॉक्लियर जो कर्ण की संवेदना का संवहन करती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? चतुर्थ कपाल तंत्रिका के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? चतुर्थ कपाल तंत्रिका। क्या हो जाएगा? ट्रॉक्लियर। क्या हो जाएगा? ट्रॉक्लियर। तो ट्रॉक्लियर क्या होता है? यह चतुर्थ कपाल तंत्रिका होता है जो हमारे कर्ण से संवेदना का संवहन करता है कानों से। और पांचवा होता है ट्राइजेमिनल जो जीभ के अग्रभाग में पाया जाता है। तो हमारे जीभ में तीन तंत्रिका आ जाती हैं, पांचवा और नौवां और बारहवा। पांचवा नौवां बारहवां तंत्रिकाएं जीभ में जाती हैं। तो जीभ के अग्रभाग में ट्राइजेमिनल पांचवा नर्व जाता है कपाल तंत्रिका, और नौवां कपाल तंत्रिका ग्लासोफ्रेंजियल होता है जो जीभ के पश्चिम भाग में ग्रसनी भाग में जाता है। और बारहवां कपाल तंत्रिका हाइपोग्लॉसल जो होता है जीभ की पेशियों में जाता है। उसी प्रकार जो हमारा चेहरे में सातवां कपाल तंत्रिका जाता है चेहरे में फेशियल होता है। आठवां होता है आपका दसवां कपाल तंत्रिका वेगस तंत्रिका होता है जो हृदय और फेफड़ों को उत्तेजित करता है, उसको कंट्रोल करता है, जो आवेग को लेकर के हृदय और फेफड़ों में जाता है वेगस तंत्रिका। दसवां जो सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका होती है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे जगह भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप और सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी होगा आपका नर्वस सिस्टम पे ही, उसके बाद आपका दूसरे टॉपिक पे होगा उत्सर्जन तंत्र, फिर आपका जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब खत्म हो जाएगा तो स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड आपका फिजियोलॉजी, ये सभी टॉपिक आपके पूरा कराए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।